सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भारत को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं। फैंस एक बार फिर से सलमान और कैटरीना की जोड़ी को साथ देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और हाल ही में खबर आई थी कि सलमान की फिल्म भारत को वाघा बॉर्डर पर शूटिंग की परमिशन नहीं मिल रही है, इसलिए लुधियाना में अटारी वाघा बॉर्डर के सेट को तैयार किया गया है और अब फाइनली इसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में सलमान और कैटरीना नजर आ रहे हैं। तस्वीर में दोनों वाघा बॉर्डर के गेट पर खड़े होकर पाकिस्तान की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को भारत के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है और भारत की टीम ने इस पिक को शेयर करते हुए लिखा है कि गेट रेडी टू विटनेस द जर्नी ऑफ अ मैन एंड अ नेशन टुगेदर। आपको बता दें कि भारत में सलमान खान एक ऐसे आदमी का रोल निभाने वाले हैं जो कि 18 से 70 साल तक का सफर तय करेगा और सलमान और कैटरीना की ये फिल्म अगले साल यानी 2019 में ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। और सलमान और कैटरीना के अलावा इस फिल्म में तब्बू, दिशा पाटनी और सुनील ग्रोवर मेन रोल्स में नजर आएंगे। तो अब आपको भारत का ये लुक कैसा लगा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।